हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टॉप 15 हिंदी में। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की टॉप 15 फास्टेस्ट ट्रेन्स की, जिनमें एक इंडियन ट्रेन का नाम भी शामिल है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार जल्दी से सब्सक्राइब बटन ठोक दो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 15, पैलेस ऑन व्हील्स। नंबर 15 पर है इंडिया की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स। ये ट्रेन 1984 में शुरू हुई थी और इसे टूरिस्ट के लिए बनाया गया था। अब जैसा इसका नाम है वैसी ही इसमें सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि इसमें दो रेस्टोरेंट्स हैं, बार है, लाउंज और भी कई तरह की शाही सर्विसेज दी जाती हैं। इस ट्रेन में आपको राजा महाराजा वाला पूरा फील आएगा। अगर बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो ये ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। नंबर 14, टीजीवी डुप्लेक्स। हमारी लिस्ट में अगला नंबर आता है फ्रांस की टीजीवी डुप्लेक्स का। ये ट्रेन फ्रांस में दिसंबर 2011 में शुरू हुई थी, जो 508 पैसेंजर्स को 198.8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ले जा सकती है। ये फ्रांस की ऑलमोस्ट हर सिटी से होकर गुजरती है। वैसे इसका पूरा नाम SNCF TGV डुप्लेक्स है, क्योंकि SNCF रेलवे कॉर्पोरेशन इसे मेंटेन करती है। इस ट्रेन की बॉडी एल्यूमिनियम से बनाई गई है और इसे एनवायरमेंटली एफिशिएंट डिजाइन दिया गया है। नंबर 13, एल्स्टोम यूरो डुप्लेक्स। एल्स्टोम यूरो डुप्लेक्स भी फ्रांस में चलने वाली एक ट्रेन है, जो 198.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ये ट्रेन 2011 में शुरू हुई थी और आज भी 1020 लोगों को एक बार में ले जाती है। बाकी ट्रेन्स के मुकाबले ये ट्रेन लेस पावर कंजम्पशन करती है और इसका बॉडी वेट भी बाकियों से कम है। एल्स्टोम फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग में ही चलती है। इसे एल्स्टोम ने बनाया है और फ्रेंच रेलवे फर्म SNCF इसे ऑपरेट करता है। नंबर 12, AVE ट्रेन। अगली है AVE ट्रेन, जिसका पूरा नाम एल्टा वेलोसिटेड एस्पिनोला ट्रेन है। ये एक स्पेन में चलने वाली ट्रेन है, जो 2005 में शुरू हुई थी। AVE ट्रेन तो है ही, लेकिन AVE स्पेन की एक हाई स्पीड रेल सर्विस है। 2017 में AVE सिस्टम 3,240 किलोमीटर तक फैल चुका है, जो कि इसे दुनिया का दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाता है। खैर, अगर बात करें AVE ट्रेन की हाई स्पीड की, तो ये ट्रेन 310 किलोमीटर पर आवर की स्पीड गेन कर सकती है। नंबर 11, टैल्गो 350 ट्रेन। अगली है टैल्गो 350 ट्रेन। टैल्गो 350 को मैड्रिड बार्सिलोना लाइन के लिए डिजाइन किया गया था। टैल्गो एक पूरी की पूरी कंपनी है, जो इंटरसिटी, स्टैंडर्ड एंड हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन बनाती है। टैल्गो से रिलेटेड आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो टैल्गो पहले इंडिया के लिए भी एक तेज रफ्तार ट्रेन बनाने वाली थी, लेकिन बाद में कुछ रीजंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। बात करें इसकी टॉप स्पीड की तो ये ट्रेन 363 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। नंबर 10, वेलारो RUS ट्रेन। नेक्स्ट है वेलारो RUS ट्रेन। इसे बनाया है सीमेंस वेलारो कंपनी ने रशिया के लिए। सीमेंस वेलारो वैसे और भी बहुत सी कंट्रीज के लिए ट्रेन बना चुका है। वेलारो RUS 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 600 पैसेंजर्स को ले जा सकती है। 2006 में रशिया ने सिर्फ एक वेलारो RUS नहीं बल्कि 8 वेलारो RUS ऑर्डर की थी और ये सभी 10 कार ट्रेन थी। उसके बाद 19 दिसंबर 2011 को इन्होंने 8 और ट्रेन ऑर्डर की थी। नंबर 9, शिनकानसेन E5 एंड H5 सीरीज ट्रेन। शिनकानसेन E5 एंड H5 सीरीज जापान में चलने वाली एक ट्रेन है, जो 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। ये ट्रेन 2016 से लोगों को तेजी से उनकी डेस्टिनेशंस पर पहुंचाने का काम कर रही है। शिनकानसेन E5 एंड H5 दो अलग अलग हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक एक्टिव सस्पेंशन से लैस है। वैसे आपको बता दूं कि जापान ने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन का काम भी शुरू कर दिया है, जो 2025 में शायद ट्रैक पर उतारी जाएगी। नंबर 8, AGV 575 ट्रेन। लिस्ट में अगला नंबर आता है इटली की AGV 757 ट्रेन का, जो 2012 से चल रही है। यहाँ AGV का मतलब है ऑटोमेट्रिस ग्रांडे वाइटस। इसे भी एल्स्टोम ने ही डिजाइन और बिल्ड किया है।
AGV575 ट्रेन एक हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है जो स्टैंडर्ड गॉज ट्रैक पर ही चलती है। इसके इंटीरियर कंपार्टमेंट्स बहुत ही स्पेशियस हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत से फीचर्स भी हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, टेलीविजन और ऑनबोर्ड इंटरनेट एक्सेस। इसमें काइनेटिक एनर्जी अब्सॉर्प्शन डिवाइस भी लगा हुआ है जो ट्रेन को कोलिजन के वक्त बचाता है। अगर बात करें इसकी स्पीड की तो AGV575 ट्रेन 360 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकती है। नंबर 7, बम्बार्डियर ज़ेफिरो 380 ट्रेन। नेक्स्ट है बम्बार्डियर ज़ेफिरो 380 ट्रेन। अब इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये ट्रेन 380 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकती है। ज़ेफिरो चाइना की एक्सट्रीमली हाई स्पीड ट्रेन्स की एक पूरी सीरीज है जिसे बम्बार्डियर ने बनाया है। ये ट्रेन्स अब तक की सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और इकोलॉजिकली फ्रेंडली ट्रेन्स में से एक है। अब ऐसा नहीं है कि इसको कॉस्ट इफेक्टिव और इकोलॉजिकली फ्रेंडली बनाने के चक्कर में कंपनी ने इसे घटिया बनाया है। इसमें बहुत खुले रूम्स हैं, एकदम एस्थेटिकली प्लीजिंग कैबिन्स हैं और इसे एरोडायनेमिक डिजाइन दिया गया है जो एनर्जी बचाता है और इसकी इंजन भी काफी फ्यूल एफिशिएंट है। ये ट्रेन 8 कार ट्रेन्स के साथ 650 लोगों को ले जा सकती है और 16 कार ट्रेन में ये 1336 लोगों को ले जा सकती है। नंबर 6, CRH2C एंड CRH3C ट्रेन्स। नेक्स्ट है CRH2C एंड CRH3C ट्रेन्स। ये ट्रेन्स भी चाइना की ट्रेन्स हैं और इन्हें चाइना रेलवे कॉरपोरेशन ऑपरेट करता है। CHR2 की पूरी ट्रेन की सीरीज है जो AC ड्रिवन मल्टी यूनिट ट्रेन और एल्यूमिनियम एलॉय से बनी है। ये इतनी पॉपुलर और एडवांस हैं कि 2007 में इसी सीरीज की CHR2A को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से नेशनल रेलवे अवार्ड भी मिल चुका है। इन दोनों ट्रेन्स की रॉबस्ट बॉडी होने की वजह से इसमें नॉइस और वाइब्रेशन ना के बराबर है। अगर बात करें इनकी स्पीड की तो ये 380 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भागती है। नंबर 5, CRH380A हेक्सी ट्रेन। तो दोस्तों, अगली है एक और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ट्रेन CRH380A हेक्सी ट्रेन जो 2010 में लॉन्च हुई थी। वैसे तो इसे क्रूज करने के लिए 350 किलोमीटर पर आर की स्पीड ही रखी गई है, लेकिन ये 380 तक जा सकती है और अभी इसके 8 कार ट्रेन की टेस्टिंग चली है जो 416 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भाग सकती है। इसके बाद इसका 16 कार ट्रेन सेट भी है जो 486 किलोमीटर पर आर की स्पीड पकड़ने में सक्षम होगा। अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो इसका लो रेजिस्टेंस, स्ट्रीमलाइन हेड और हाईली प्रेशराइज्ड टाइट बॉडी डिजाइन दिया गया है। साथ ही इसमें सोफिस्टिकेटेड नॉइस कंट्रोल टेक्नोलॉजी और हाई परफॉर्मेंस ट्रैक्शन सिस्टम भी लगाए गए हैं। नंबर 4, CRH380BBL। नेक्स्ट है एक और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में चलने वाली ट्रेन जिसका नाम है हेक्सी CRH380BBL। ये ट्रेन 2011 से 380 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है। वैसे CRH एक पूरी सीरीज है जिसमें और भी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं और उन्हीं में से हेक्सी भी एक है। हालांकि ये 380 की स्पीड से चल सकती है, लेकिन इसकी ऑपरेशनल स्पीड इससे कम है। तो फाइनली अब बढ़ते हैं टॉप 3 की तरफ। लेकिन यार, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो। नंबर 3, फ्रिजिया 1000 ट्रेन। थर्ड पर है फ्रिजिया 1000 ट्रेन। ये एक इटली में चलने वाली ट्रेन है जो 400 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल सकती है। फ्रिजिया 1000 सबसे पहले 2015 में चली थी। इस पूरी ट्रेन में 16 स्ट्रॉन्ग मोटर्स लगी हैं और वो भी हर एक कोच में। ये ट्रेन उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो लॉन्ग हॉल पैसेंजर्स हैं। इसमें एक बारी में 485 पैसेंजर्स जा सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हैंडीकैप्स के लिए टिप अप चेयर्स लगाई गई हैं। और इसकी एक और खास बात ये है कि इसे बनाने के लिए 85% रिसाइकल्ड मटेरियल यूज हुआ है और 95% मटेरियल जो भी इसमें यूटिलाइज होता है वो रिन्यूएबल है। नंबर 2, CR400AFBF फक्सिंग ट्रेन। CR400AFBF फक्सिंग ट्रेन चाइना की ही एक और ट्रेन है जो 420 किलोमीटर पर आर की स्पीड से भाग सकती है। ये ट्रेन शुरू हुई थी 2016 में। असल में इसके दो वर्जन हैं,
एक है CR-400AF और दूसरा है CR-400PF। ये ट्रेन एक बार में 556 लोगों को ले जा सकती है। बात करें अगर इसके फीचर्स की, तो इसमें भी बाकी ट्रेन्स की तरह हर तरह के फीचर्स हैं। वैसे CR-100AF-BF फक्सिंग ट्रेन बाकी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन्स के मुकाबले ज्यादा सेफ है। नंबर 1, द शंघाई मॉगलेव। तो फाइनली अब बारी है नंबर 1 की और फर्स्ट पर है शंघाई मॉगलेव। द शंघाई मॉगलेव ट्रेन चाइना की एक और शानदार ट्रेन है जो शंघाई चाइना में चलती है। ये दुनिया की फास्टेस्ट कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रेन है, क्योंकि भाई साहब ये भागती है 431 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड से। ये इतनी फास्ट है कि 30 किलोमीटर की जर्नी को ये सिर्फ 7 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स में खत्म कर देती है, और सुबह के वक्त तो ये 50 सेकंड्स और जल्दी पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये थी टॉप 15 फास्टेस्ट ट्रेन्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।